हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉजिटिव नाउंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि पॉजिटिव का मतलब ओनरशिप का है, यानी मलकियत, किसी भी चीज़ की मलकियत। अगर आपकी कोई चीज़ है तो हम ये कहते हैं कि वो चीज़ आपकी पोजेशन में है या वो चीज़ आपकी मलकियत है। इसलिए वो नाउंस जो कि किसी चीज़ की पोजिशन को जाहिर करें तो हम उन नाउंस को पॉजिटिव नाउंस कहते हैं। पॉजिटिव नाउंस को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आमतौर पे असूल ये है कि हम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस का इजाफा करते हैं तो एक सिंपल नाउन पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास नाउन की दो किस्में हैं, एक किस्म सिंगुलर नाउन है और दूसरी किस्म प्लूरल नाउन है, इसलिए पॉजिटिव नाउन बनाने के लिए सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का एक अलग-अलग असूल है। अगर आपने एक सिंगुलर नाउन को पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए इंग्लिश का असूल ये है कि आपने जस्ट एपोस्ट्रॉफी और एस का इजाफा करना है तो वो नाउन पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नाउन है कैट। कैट से जब हम पॉजिटिव नाउन बनाएंगे तो इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी और एस का इजाफा कर देंगे तो ये पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस एग्जाम्पल को हम एक सेंटेंस में इस तरह यूज करेंगे, द कैट्स टॉय वाज मिसिंग। ये सेंटेंस हमें ये पैगाम दे रहा है कि टॉय कैट का है या टॉय कैट की मलकियत है और इस मलकियत को हम नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस लगाने से जाहिर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इज दिस आजम्स बुक। दूसरा असूल, प्लूरल नाउन को पॉजिटिव नाउन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। चूंकि प्लूरल नाउन आमतौर पर एस पे एंड होते हैं या आमतौर पर प्लूरल नाउन के एंड पे एस होता है, इसलिए हम जब एपोस्ट्रॉफी और एस का इजाफा कर देंगे ताकि उस प्लूरल नाउन से पॉजिटिव नाउन बनाया जाए तो ये अकवट सा लगेगा। इसलिए प्लूरल नाउन को पॉजिटिव नाउन बनाने के लिए असूल ये है कि हम आखिर में जस्ट एपोस्ट्रॉफी का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉग्स। डॉग्स एक प्लूरल नाउन है। जब हम इसका पॉजिटिव नाउन बनाएंगे तो हम आखिर में जस्ट एपोस्ट्रॉफी का इजाफा कर देंगे। दूसरा एग्जांपल, कार्स। कार्स इंजन्स। आपने देखा कि कार एक सिंगुलर नाउन है जबकि कार्स उसका प्लूरल नाउन है, इसलिए कार्स का पॉजिटिव नाउन बनाने के लिए हम आखिर में इसके साथ एपोस्ट्रॉफी का इजाफा कर देंगे तो ये पॉजिटिव नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगुलर नाउंस को पॉजिटिव नाउंस में कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट जहन में रखिएगा। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउंस को जब हम पॉजिटिव नाउंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस का इजाफा कर देंगे, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि एस पे एंड होते हैं। ऐसे केसेस में भी आपने यही असूल फॉलो करना है, यानी आपने आखिर में एपोस्ट्रॉफी और एस का इजाफा करना है।